हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएम नोब गेमर। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आप लोग कैसे HPH गेमिंग के तरह थंबनेल बना सकते हो। तो HPH गेमिंग ने जिस तरह से कांचा बादाम वीडियो में थंबनेल यूज किया था, तो उस तरह से थंबनेल बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग आपके मोबाइल फोन में तीन एप्लीकेशन को जरूरत पड़े, इस तीनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग चाहे तो उधर से भी डाउनलोड कर सकते हो और चाहे तो आपको प्ले स्टोर में इस तीनों का लिंक अवेलेबल मिल जाएगा, आप लोग उधर से भी डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को पिक्सल लैब को ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, पिक्सल लैब को ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। सिंपली आप लोग ऊपर में थ्री डॉट में जाना और इमेज साइज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको सिंपली यूट्यूब थंबनेल कर देना है। ठीक है, यूट्यूब थंबनेल करने के बाद यहाँ से आपको ओपन कर देना है। करने के बाद सिंपली ऊपर में आपको एक पेंसिल का ऑप्शन देखने को मिलता है, सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है और इधर से आपको इसको डिलीट करना है और यहाँ पर आपको कांचा बादाम टाइप कर देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी कांचा बादाम टाइप कर देता हूँ, करने के बाद आपको क्या करना है देखा था। तो सिंपली यहाँ से मैं कांचा बादाम टाइप कर देता हूँ, आप भी ऐसे ही कांचा बादाम टाइप कर देना। करने के बाद सिंपली यहाँ से आपको ओके कर देना है। ठीक है, ओके करने के बाद आपको नीचे में एक ए का ऑप्शन देखने को मिलता है, सिंपली उसके ऊपर जाना और इधर से आपको स्क्रॉल करने के बाद आपको ए बी करके एक फॉन्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिंपली उसके ऊपर जाना। जाने के बाद आप यहाँ से आपके अकॉर्डिंग एक फॉन्ट सिलेक्ट कर लेना। तो मैं यहाँ से एक फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैं इस फॉन्ट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद सिंपली यहाँ से आप लोग ओके कर देना। ठीक है, ओके करने के बाद आप सिंपली साइड में स्क्रॉल करने के बाद आपको लेटर स्पेसिंग करके एक ऑप्शन देने को मिलता है, सिंपली उसके ऊपर जाना और यहाँ से लेटर को, दोनों लेटर को थोड़ा सा आप इधर से ऐसे गैप कर देना, क्योंकि इसके अंदर मैं कांचा बादाम का एक पिक्चर ऐड करूँगा। सिंपली आपको यहाँ से पेस्ट करने के बाद ऐसे आपको मिडिल पोजिशन में आने के बाद नीचे में एक ऑप्शन देने को मिलता है, सिंपली उसके ऊपर जाना है और यहाँ से आपको ट्रांसपेरेंट कर देना है बैकग्राउंड को और यहाँ से आपको सेव कर देना है। ठीक है, तो ऊपर में सेव का ऑप्शन देता है, सिंपली सेव पर इमोजी के जाने के बाद यहाँ से आपको कस्टम के ऊपर एक बार क्लिक करना है और वेरी हाई करके यहाँ से आपको सिंपली सेव करना है। ठीक है, और सेव हो जाने के बाद सिंपली यहाँ से आप कलर के ऊपर जाना और यहाँ से आपको एक बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से लाल कलर को सिलेक्ट करता हूँ, करने के बाद ओके करता हूँ और ऊपर में प्लस का ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ से टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ से टेक्स्ट को मैं डिलीट कर दूंगा। डिलीट करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है मॉन्टेज भाई, आपका चैनल का नेम यहाँ पर टाइप कर देना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मॉन्टेज भाई बीएम गेमर, तो मेरा चैनल का नेम मैं यहाँ पर सिंपली टाइप कर देता हूँ और आपको ओके कर देना है। ठीक है, ओके करने के बाद सिंपली आपको इसको पकड़ के मिडिल पोजीशन में ले आके सेट कर देना है। ठीक है, तो ऐसे ही सेट करने के बाद आपको ए के ऊपर एक बार क्लिक करना है, यहाँ से आपको फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना है। तो इस दोनों फॉन्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सिंपली आप लोग उधर से जाके इस फॉन्ट को डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से मैं ऊपर का एक फॉन्ट है उसके ऊपर एक बार क्लिक करूँगा, करने के बाद ओके कर दूंगा। ठीक है, ओके हो जाने के बाद सिंपली आपको यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके इधर से आपको कलर के ऊपर एक बार क्लिक करना है। तो यहाँ से मैं इसको स्क्रॉल डाउन करके कलर के ऊपर एक बार क्लिक करूंगा और करने के बाद यहाँ से आपको आपके थंबनेल के हिसाब से जो कोई भी एक कलर को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से इस कलर को सिलेक्ट करता हूँ, करने के बाद ओके कर दूंगा। ठीक है, हो जाने के बाद सिंपल आपको इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है और यहाँ से आपको बैकग्राउंड का ट्रांसफरेंस कर देना है। ठीक है, तो सिंपल ट्रांसफरेंस कर देता हूँ बैकग्राउंड को। हो जाने के बाद सिंपल आपको इसको सेव कर देना है। ठीक है, तो ऊपर में आपको सेव का ऑप्शन देखने को मिलता है, सिंपल उसके ऊपर एक बार क्लिक करना है और यहाँ से आपको सेव और इमेज के जाने के बाद आपको सिंपली इसको वेरी हाई करके सेव करना है। ठीक है, सेव हो जाने के बाद सिंपली इसको आपको यहाँ से डिलीट कर देना है और इसको ऊपर क्लिक करना है, बैकग्राउंड का आपको ब्लैक कर देना है, करने के बाद ओके करना है। ठीक है, और आपको प्लस के ऑप्शन में जाने के बाद सिंपली एक न्यू टेक्स्ट लेना है और इसको फ्री फायर वेलोसिटी बेस सेक मॉन्टेज सिंपली आपको इसको यहाँ पर टाइप कर देना है। तो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी टाइप कर देता हूँ एंड ओके कर देना है। ठीक है, ओके करने के बाद सिंपली आपको कलर में जाके एक कलर को चूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर सिंपली रेड कलर को चूज़ कर देता हूँ। करने के बाद स्क्रॉल करने के बाद आपको फॉन्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है, सिंपली आपको फॉन्ट में जाके इस फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना है। तो इस फॉन्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सिंपली उधर से जाके आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो और आपको इसको पकड़ के दोनों हाथ से पकड़ के कुछ इस तरह से सेट कर देना है। ठीक है, इस तरह से हो जाने के बाद आपको सिंपली इसके ऊपर जाना है और यहाँ से आपको बैकग्राउंड को ट्रांसफरेंट करना है और इसको सेव कर देना है। ठीक है, तो सिंपली इसको सेव करने के बाद आपको ओपन करना है रिमूव फॉर बीजीएफ और उसको ओपन करने के बाद आपको क्या क्या प्रोसेस करना है मैं आपको देखता हूँ। ठीक है, और रिमूव फॉर बीजीएफ को ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से एक इंटरफेस खुल कर आएगा। प्लीज अपलेट
इमेज पर क्लिक करना है और गैलरी में जाके आपको सिंपली यहाँ से आपका इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं सिंपली इमेज को ढूंढ के यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ, तो मैं सिंपली इस इमेज को यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। सिंपली उसके ऊपर एक बार क्लिक करना है और सिंपली आपको यहाँ पर अपलोड का एक ऑप्शन मिलेगा। सिंपली ये अपलोड हो जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से बैकग्राउंड इरेज होकर आपको सामने आ जाएगा। तो सिंपली आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से बैकग्राउंड इरेज हो जाएगा। सिंपली आपको डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से इसको डाउनलोड कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है, आप सिंपली इसको ऐसे ही डाउनलोड करके आपको बैक चला जाना है और लोगो पीस प्लस को ओपन करने के बाद थ्री डॉट में आपको क्लिक करना है और इधर से आपको के न्यू पर क्लिक करने के बाद यूट्यूब थंबनेल सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस देखने को मिलेगा। सिंपली आपको इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है और इधर से आपको प्लस के ऑप्शन में एक बार क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको गैलरी में जाना है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, सिंपली आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके इसको यूज़ कर सकते हो। तो सिंपली मैं उसको ढूंढ के यहाँ पर ऐड कर लूँगा, तो सिंपली मैं उसको ढूंढ के ऐड कर लेता हूँ। तो मेरा उस इमेज का लिंक किधर गया, तो सिंपली इसको मैं यहाँ पे ढूंढ के इसको कॉप करके फुल स्क्रीन करने के बाद सिंपली यहाँ पे आपको कॉप कर देना है, ठीक है। करने के बाद कुछ इस तरह से ऐड हो जाएगा। फिर आपको इफेक्ट के ऊपर एक बार क्लिक करना है, ठीक है। इफेक्ट में जाने के बाद आपको इसे स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है और आपको फेलस कलर करके एक इफेक्ट देखने को मिलेगा। सिंपली उसके ऊपर क्लिक करके आपको इस इमेज को इधर से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो सिंपली आपको इसके ऊपर जाना है और डाउनलोड में जाके आपको सिंपली इधर से इस इमेज को डाउनलोड कर देना है, ठीक है। एंड आपको फिर से क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट ले लेना है। लेने के बाद आपने इसके ऊपर एक बार क्लिक कर देना है। करने के बाद आपको सिंपली नीचे में आपको प्लस का ऑप्शन देखने को मिलता है, सिंपली उसके ऊपर जाना है और इधर से आपने जो इमेज को अभी डाउनलोड किया है सिंपली उस इमेज को इधर पर ऐड कर लेना है, ठीक है। तो मैं सिंपली इस इमेज को इधर पर ऐड कर लेता हूँ। तो कुछ तरह से आप भी इस तरह से ऐड कर लेना। करने के बाद सिंपली इफेक्ट में जाना। जाने के बाद आपको इधर में एक इफेक्ट देखने को मिलता है, सिंपली इसके ऊपर आप क्लिक कर देना। करने के बाद कुछ इस तरह से हो जाएगा। आप भी इसको एडजस्टमेंट कर सकते हो आपके हिसाब से। तो मैं कुछ इस तरह से रहने दूंगा। देने के बाद आप सिंपली इमेज के ऊपर एक बार क्लिक करना। इमेज के ऊपर एक बार क्लिक करने के बाद आप सिंपली कैमरा में जाके एक बार क्लिक कर देना। देने के बाद आपको ऐड पिक्चर में जाके इधर से आपको जो आपने अपने पिक्सल लैब में जो काचा बादाम लिरिक्स लिखा है सिंपली उसको इधर पर ऐड कर देना, ठीक है। तो मैं सिंपली उसको ढूंढ के इधर पर ऐड कर लूँगा। करने के बाद कुछ इस तरह से एडजस्टमेंट कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ एडजस्टमेंट हो जाने के बाद आपको सिंपली नीचे में ऐड पिक्चर करके ऑप्शन देखने को मिलता है, सिंपली उसको पर एक बार क्लिक करना है। और ऐड पिक्चर में जाके आपको इधर पे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको छिला बादाम का लिंक दे दूंगा, आप सिंपली उसको जाके डाउनलोड करके उस इमेज को इधर पे ऐड कर देना, ठीक है। तो मैं सिंपली उसको ढूंढ के इधर पे ऐड कर दूंगा। करने के बाद कुछ इस तरह से आप भी एडजस्टमेंट कर लेना। फिर आपको अगेन ऐड पिक्चर के ऊपर एक बार क्लिक कर देना है। करने के बाद आपको सिंपली गैलरी में जाके आपने जो पिक्सल लैग में आपका चैनल का नेम लिखा था तो सिंपली उसको इधर पे ऐड कर देना है, ठीक है। तो मैं सिंपली मेरा चैनल का नेम जिस लिटी में लिखा है सिंपली उसके इधर पर ऐड कर दूंगा। करने के बाद कुछ इस तरह से आपको भी एडजस्टमेंट कर देना है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से एडजस्टमेंट कर देने के बाद आपको सिंपली काचा बादाम का नीचे में आके कुछ इस तरह से सेट कर देना है। करने के बाद आपको सिंपली फिर से ऐड पिक्चर के ऊपर एक बार क्लिक करना है। करने के बाद ऐड पिक्चर में जाके गैलरी में जाके आपने जो फिर से एक लिरिक्स लिखा था पिक्सल ऐप में सिंपली उसको जाके इस पर ऐड कर देना है, ठीक है। देने के बाद दोनों को कुछ इस तरह से एडजस्टमेंट कर देना है, ठीक है। और आपको सिंपली अगेन ऐड पिक्चर के ऊपर एक बार क्लिक कर देना है। करने के बाद गैलरी में जाके आपने जो रिमूव फॉर बीजे आपने जो आपको बैकग्राउंड रिमूव किया था कैरेक्टर का सिंपली उसको जाके इस पर ऐड कर देना है, ठीक है। करने के बाद कुछ इस तरह से आपको साइड में ले आके कुछ इस तरह से आप भी आपके थंबनेल के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कर देना है, ठीक है। तो मैं कुछ इस तरह से इसको सेट कर दूंगा। एंड आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा फ्री फायर इमोजी करके, सिंपली आपको जाके उसको डाउनलोड कर लेना है। लेने के बाद आपको सिंपली अगेन ऐड पिक्चर के ऊपर क्लिक देना है। देने के बाद आपको गैलरी में जाके उस इमेज को सिंपली इधर पर ऐड कर देना है, ठीक है। तो मैं सिंपली इस इधर पर ढूंढ के उस इमेज को ऐड कर दूंगा। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे सिंपली जाके उधर से डाउनलोड करके ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं सिंपली इसको इधर पर ऐड कर दूंगा। देने के बाद ऊपर के जाके कुछ इस साइड में मैं इसको एडजस्टमेंट कर दूंगा। आप भी कुछ इस तरह से एडजस्टमेंट कर लेना। तो मैं सिंपली इधर पर जल्दी जल्दी ऐड कर दूंगा। तो आप भी कुछ इस तरह से HVH गेमिंग के तरह थंबनेल यूज़ कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से हो जाने के बाद आपको इसके ऊपर जाने के बाद आपको सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आप इसके यूज़ कर सकते हो आपके वीडियो में।